कहते हैं कि सावन का संबंध धन धान्य और समृद्धि से है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपकी माली हालत ठीक ना हो तो आप इस सावन महीने में छोटा सा उपाय करके जीवन से संकटों को खत्म कर सकते हैं। बस ईश्वर में सच्ची श्रद्धा बनाए रखिए। आर्थिक संकट से निजात पाना है तो इसके लिए भी एक अचूक उपाय है। गौर से देखिए कर्ज से छुटकारा पाने का महाप्रयोग। पैसों की तंगी कर रही है परेशान, कर्ज के बढ़ते बोझ से आप हैं हैरान। कर्जों से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम वार शुक्रवार को महादेव करेंगे कर्जों से उद्धार। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो इंसान का सुकून छीन लेती है और हर दिन के साथ इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। कई बार कर्ज का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके नीचे दब के रह जाता है इंसान। अगर आप भी बढ़ते कर्जों से परेशान हैं, तो सावन महीने के इस शुक्रवार को करें ये उपाय। यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और आप चाह रहे हैं कि आपका कर्जा दूर हो जाए, तो सावन में आप इस उपाय को कर लीजिए, आपका सारा कर्जा दूर हो जाएगा। शंकर बाबा बहुत दयालु हैं, भोले भंडारी। आपको करना क्या है, सभी लोग सुन लीजिए बड़े आनंद से, कि आपको जब शंकर जी का आप अभिषेक करने जाएं तो आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल में आपको मिला लेनी है भस्म। गंगा जल लीजिए, गंगा जल में भस्म मिला लीजिए और उसका अभिषेक करिए शंकर जी को। आप देखिए जैसे ही आप अभिषेक करेंगे ना, और शंकर जी से प्रार्थना करते रहिए, अभिषेक करते हुए कि हे भोले बाबा, मेरे ऊपर इतना कर्ज है, आप मेरे सारे कर्जों को दूर करिए, मेरे सारे कष्टों को दूर करिए, मेरे सारे विघ्नों को दूर करिए, मेरे जीवन से सारे कष्टों को हटा दीजिए। आप देखना इस अभिषेक के पश्चात ही बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, धन का आगमन होने लग जाएगा और आपके जीवन से सारा कर्जा दूर हो जाएगा। आप सभी लोग सावन में इस उत्तम प्रयोग को अवश्य करिए। अगर कर्ज से परेशान हो तो रोजाना शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को जल अर्पित करें, फिर मां लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और मीठे पकवान का भोग लगाएं। फिर शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। कर्जों से मुक्ति के उपाय के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो छोटा मगर दिव्य प्रयोग, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। यदि आपके जीवन में विवाह की बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह का योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर विवाह की बात चल रही है फिर भी दिक्कत आ रही है, मतलब हर प्रकार से वैवाहिक कष्ट है आपके जीवन में और आप चाहते हैं कि जल्दी से विवाह हो जाए शंकर जी की कृपा से, तो सावन में आप इस प्रयोग को कर लीजिए। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। सावन के सोमवार वाले दिन आपको 108 बिलपत्र लेना है। 108 बिलपत्र ले लीजिए और चंदन लीजिए। चंदन से सभी बिलपत्रों में राम 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 लिख दीजिए। राम राम लिखने के बाद सभी बिलपत्रों को आपको जाना है, शंकर जी को बढ़िया पहले जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और शंकर जी को एक एक करके बिलपत्र चढ़ाइए और राम राम बोलते रहिए और शंकर जी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु ऐसी कृपा करिए, या तो कन्या है तो बोले ऐसी कृपा करिए प्रभु की सुंदर सुयोग्य वर मुझे प्राप्त हो जाए, और जो पुरुष यदि कर रहा है तो प्रार्थना करे कि हे प्रभु सुंदर सुयोग्य कन्या मुझे प्राप्त हो जाए आपकी कृपा से। आप देखना शंकर जी की कृपा से हो सके तो जितने भी सावन के सोमवार हैं सारे सोमवारों को आप प्रयोग कर लीजिए। अद्भुत प्रयोग है, इस प्रयोग से निश्चित ही आपके बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। सावन में शिव जी को पीले फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस छोटे से उपाय से आप भी संवार लीजिए अपने सबसे प्यारे रिश्ते की जिंदगी, क्योंकि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा एक साथ रोज रोज नहीं मिलती।